हमें जरा पीछे मुसलमानाच्या विरुद्ध आमच्या हुजूरच्या विरुद्ध सांगितली त्याला तुम्ही त्याला शिक्षा झाली पाहिजे। आज आम्ही आंदोलन करणार आहे, याचा प्रत्यक्ष मोठा आंदोलन आम्ही नंतर करू। याला हे मादक ठेवून पहिला हे भाई हरामखोर भारतीय जनता पार्टीचे भाई आहे, हे भाई कुत्री भाई आहे, यांना आमच्या हुजूरच्या संबंधी जो सांगितला तर आम्ही सगळा मुस्लिम समाज त्याचा निषेध करतो आणि याची सजा भेटलीच पाहिजे। याला कोणत्याही धर्माला कोणीही अपशब्द बोलू नये आणि या सगळ्या धर्मांचा आपल्या आपल्या धर्मांचा सगळ्याला अभिमान असतो आणि हे जे प्रकरण घडला या पुऱ्या देशात याचा तिरवं आंदोलन आणि तिरवा निषेध होत आहे। या हिशोबानं भोकरदांच्या वतीनं बी त्यांचा निषेध करण्यात येत आहे आणि आमची सगळ्यांची विनंती आहे का हे प्रकरण माननीय पंतप्रधान गृहमंत्री आयजी मुख्यमंत्री सगळ्यांपर्यंत आपल्याकडून पोहोचलं पाहिजे, हे सगळ्यांच्याकडे आपल्याकडे अपेक्षा आहे। जो एक निवेदन दे चलो हमारा आज का जो प्रोटेस्ट हुआ ऑल इंडिया इमाम काउंसिल की तरफ से वो नुपुर शर्मा ने जो हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखी की तोहीन की उसके बारे में हमारा ये प्रोटेस्ट रहा और हमारी हुकूमत से सरकार से ये मांग है कि तोहीन रिसालत के जितने मुजरिमीन हैं उनके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई करे और उनको सज़ा दे। दूसरा हमारा सरकार से मुतालबा ये है कि मज़हब और मजहबी शख्सियात की तोहीन के ख़िलाफ़ भी वो आर्टिकल तैयार करे, कानून साजी करे और जो भी ऐसी मजहबी शख्सियात के लिए अपनी ज़ुबान दराज़ी करता उनको जेल के अंदर डाले। तीसरा हमारा मुतालबा ये है, मांग ये है हमारी कि मुल्क के अंदर आरएसएस हिंदू महासभा बजरंग दल की जो फस्ताई ताकतें हैं ये जो कमज़ोर कम्युनिटी के ऊपर दलित समाज आदिवासी समाज और ख़ास तौर से मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर जो जुल्म ढारे इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करे और इनकी रोकथाम करे। और आइंदा भी हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि जो मुल्क की अमन और शांति के लिए अपनी ज़ुबान दराजी करता है और भड़काऊ भाषण देता है उनके लिए एक आर्टिकल तैयार करे, आर्टिकल ऐसा हो कि उसके लिए कोई सज़ा ना हो, डायरेक्ट फांसी की सज़ा हो। मैं ऑल इंडिया इमाम काउंसिल प्रेसिडेंट जालना हाफिज़ अकबर।